एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 एमएम का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया, नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया, फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला हमने, वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया, दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में, नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखा कर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि दो बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर इको कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व, तेरी कृपा भी।